चैनल। तो आज हम लोग आए हैं भैंसाई में, यहाँ पे जो आप वातावरण देख रहे हैं प्रकृति का, उसके बारे में आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे हम लोग, और काफ़ी आनंद का अनुभव हो रहा है हम लोग के साथ। तो हमारे साथ ये कुछ हम लोग के मित्र आए हैं, ये सलीम रच्चा है, और ये पीछे हम लोग के हाजी अली साहब हैं, और ये पुराना पहचाना शख्स रामजीत है, और हमारे साथ एक बहुत पुराना मित्र नेपाल का, तो ये है हमारे हनी जी, हनी उर्फ दद्दू जी। दद्दू जी यहाँ का विश्लेषण हम लोग का गाइड बन के आएंगे, ये हम लोग के बारे में पूरा बताएंगे, किससे क्या गाइड कहाँ से कहाँ है। तो दद्दू जी आप बताइए, हम लोग इस समय कहाँ पे, किस पर्वत की चोटी पे हैं? भगवा नाका पे हम लोग हैं जी, और भगवा नाका हम लोग अच्छा घूमने में लगता है, और यहाँ का ठंडा ठंडा हवा हम मतलब समझाया तो भी नेपाली भाषा। पानी कैसे है यहाँ का? पानी तो सर वही पीने वाला, वही नाला में बहता, वही साफ रहता होगा ना, लेकिन साफ ठंडा पानी होता होगा। अच्छा, एक बार हम लोग को अपने भाषा, जो आपका नेपाली भाषा है, उसको कुछ बोल के सुनाइए हम लोग को, कुछ बोल दीजिए। मतलब इधर लोग को अगर बुलाना होगा तो बोलते हैं मतलब कोई काम है तो। अच्छा, हमको इनको बुलाना होगा कि इधर आओ, क्या बोलेंगे आप? एताउनुस। अगर आप हमको कुछ कहना चाहते हैं, ये बन्नु, ये बन्नु। तो ये आपके यहाँ की है? क्या नाम बेटा आपका? निशा। निशा जी बैठी, इनकी बहन लगती है। तो हम लोग साथ में यहीं पे आए हैं, जो हम लोग का सफ़र है काफ़ी अच्छा है। हम लोग की जो पहलवान उधर है, हाँ वो दिख रहा हुआ है, काफ़ी मशक्कत से पहाड़ पे चलती हुई है, एकदम धन्नों के जैसे आई है। तो अभी आगे चलेंगे, जो सीन होगा आपको पूरा कैप्चर करके दिखा जाएगा, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस यहाँ पे हम आए हैं, तो निकलते निकलते हम लोग को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखी, जिसके अंदर आपको लेके जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कितनी विशाल शिव मंदिर है। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी साल पुराना शिव जी मंदिर है, और इसमें जो कारीगरी और शिलान्यास है इसका, काफ़ी अद्भुत है। इसमें नेपाल में है, यहाँ का सुंदर वातावरण के साथ एक अद्भुत नज़ारा है। तो इसी के साथ अभी तक यहीं तक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टूर पे, तब तक नए वीडियो के साथ बने।